सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अलवर जिले के बहरोड़ कस्बे में 2014 में दीपावली के दिन बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर पार्षद की हत्या कर दी थी, जिसके बाद मामला 8 साल से कोर्ट में चल रहा था। फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस पूरे मामले में अब तक के 20 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनकी आज अपर जिला एवं सेशन कोर्ट संख्या 2 ने फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी अशोक ठाकरिया ने आपसी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। साथ ही अशोक ठाकरिया के अलावा राजीव धागा, सुनील लीडर, जितेंद्र उर्फ बम्बे, अमित यादव, धर्मेंद्र उर्फ लेडा को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया गया है। सबूत मिटाने के लिए बीजेपी पार्षद त्रिलोक की मां की हत्या की सुपारी भी मुख्य आरोपी के द्वारा दी गई थी, लेकिन गुड़गांव पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों ने यह सारा राज उगल दिया था। पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस को बताया था कि मुख्य गवाह बीजेपी पार्षद त्रिलोक की मां की हत्या के लिए 50 लाख की सुपारी दी थी, लेकिन वारदात से पहले ही बदमाशों ने पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। कुल 20 लोगों के खिलाफ था, क्योंकि एक मफरूर है सुरेंद्र एरा चीकू, उसको छोड़ करके बाकी 19 लोगों के खिलाफ आज न्यायालय ने रिजन किया है, जिसमें से 6 को दोषी करार दिया है। अशोक उर्फ ठाकरिया, राजीव धांगा और सुनील लीडर, एक जितेंद्र शर्मा है जो बहरोड़ गए थे, एक अमित यादव खरकड़ा के, और एक धर्मेंद्र शर्मा, उनको 302/34 IPC में आजीवन कारावास की सजा दर्ज की है। ये सन 2014 में दिवाली के दिन एक पार्षद थे यहाँ पे, त्रिलोक पार्षद, उनकी हत्या हुई थी, उसमें कल्प्रिट थे, जिसका आज 8 साल बाद कोर्ट द्वारा फैसला है। न्यायालय हमारा IDG नंबर 2 बैरू।